Hello friends, subscribe to our channel here and press the bell icon to get all the latest videos from our channel. भारत ने अपने पड़ोसी और क्रिकेट मैदान के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी विश्व कप मुकाबलों में अजेय क्रम बरकरार रखा है। भारत ने रविवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए आईसीसी विश्व कप 2019 के मुकाबले में पाकिस्तान को 89 रनों से हराते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की। भारत की इस जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। टीम इंडिया को हर कोई बधाई दे रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी टीम इंडिया को बधाई दी। अमित शाह ने बधाई देते हुए कहा, पाकिस्तान पर टीम इंडिया द्वारा एक और सर्जिकल स्ट्राइक और परिणाम पहले जैसा ही है। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, आपका प्रदर्शन शानदार रहा। भारत का हर नागरिक इस जीत पर गर्व महसूस कर रहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने पर टीम इंडिया को बधाई। भारतीय टीम ने इस जीत के लिए बहुत शानदार खेला। हम सभी को टीम पर गर्व है। वहीं इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे रोहित शर्मा कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपने इतनी दबाव में भी इतने अच्छे बल्लेबाजी कैसे की। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह गुण अपने दोस्त अपने गुरु महेंद्र सिंह धोनी से सीखी है, जो कि मैदान पर कितने कूल और कितने धैर्य के साथ रहते हैं। और इस जीत का श्रेय और मेरे इस शतकीय पारी का श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को ही जाता है।